जो युवा साथी हैं आपको भी नमस्कार करते हुए, मंच पर सभी जो सम्माननीय व्यक्ति बैठे हैं, सामने सम्माननीय व्यक्ति बैठे हैं, उन सबका आदर और सम्मान करते हुए, वैसे इस गरिमामय प्रोग्राम में जो एक हमारे देश के वीर सैनिक की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसमें मान और सम्मान की कोई गुंजाइश होती नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो माला साफा आप हमें पहना रहे, मैं समझता हूँ उसके हकदार अगर कोई है तो भारत माता के जैसे सपूत नायक सुल्तान बीरबल जी जैसे है, जो सम्मान के अधिकार है, जिनकी आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और मैं उस परिवार को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस भारत माता के एक लाल की यादाश्त को चिरस्थायी किया है, हमेशा के लिए उसकी यादाश्त को आपने एक उसकी मूर्ति के रूप में स्थापित किया। निश्चित रूप से उसका पूरा परिवार, उसके भाई भतीजे बेटे पोते सब, मेरी तरफ से इस खेतड़ी के जनसेवक की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने पूर्वज की, आप लोगों ने एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके यहाँ पर एक जो सैनिकों के प्रति मान और सम्मान का जो भाव जागृत किया है, सैनिकों का जो मान और सम्मान होता है उसकी मैं समझता हूँ बहुत पहले लोग गरिमा नहीं समझते थे। मैं हम लोग जो आज सुरक्षित हैं, आराम से चैन की नींद सोते हैं, वो किसी के रहम से नहीं सोते हैं, हमारे जैसे नेताओं की वजह से नहीं सोते हैं। आज ये देश अगर चैन की नींद और इसकी सीमाएं जो सुरक्षित है, वो नायब सूबेदार बीरबल जी जैसे जवानों की वजह से सुरक्षित है, न कि हम जैसे की वजह से सुरक्षित है। तो ऐसे लोगों का मान और सम्मान होना चाहिए। भारत माता के जो फौज में हमारी सेवा करके आते हैं, सीमा पर जो जान पर खेलकर हमारी सेवा करते हैं, उनका देवी देवताओं की तरह पूजन हो और पूजा हो, यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ। और ये देश जो वीर सैनिकों से भरा पड़ा है, और विशेषकर ये शेखावाटी है जो पूरे देश में एक नंबर पर जो हमारा झुंझुनू सैनिकों के रूप में प्रसिद्ध है, हम तो इस धरती के इस तरह के लोग हैं जो धन्य है और पवित्र है। मैं समझता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इन फौजियों का मान और सम्मान परिवार में जो हो और राज में जो हो वो जितना कम है, और इन फौजियों के लिए, वर्तमान फौजियों के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए, राजस्थान की विधानसभा में अगर सबसे पहली बार किसी ने आवाज उठाई है तो आपके जनसेवक इंजीनियर धर्मपाल ने उठाई है। ये बात आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखी होगी। इनकी सुविधाएं जो दर दर भटकते हैं, इनको चिड़ावा जाना पड़ता है, सीएसडी कैंटीन के लिए नारनौल या नीम का थाना जाना पड़ता है, ईसीएचएस के लिए, इनके इलाज के लिए, उसकी मैंने पुरजोर पहली बार अगर कोई विधानसभा में मांग उठाई है तो मैंने सैनिकों के लिए उठाई है, आपके पानी के लिए मांग उठाई है। और आपने जो देखा है उससे भी ज्यादा आप लोगों को करके दिखाएंगे, इतना विश्वास करके चलिए। आज तो हमें लगभग 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन हम आपके लिए जो व्यवस्था करना चाहते हैं उसमें समय जरूर लग सकता है। पानी का जो इतना बड़ा मुद्दा था जो 35 साल से आज तक चलता आ रहा था, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र जी मोदी को, जल शक्ति मंत्री को, और राजस्थान के मुख्यमंत्री को, और हरियाणा के मुख्यमंत्री को, कि यमुना जल का जो नहर का हमारा चिर परिचित जो बहुत दिनों से लंबित जो मामला था वो बहुत जल्दी हमारा सैद्धांतिक समझौता होके और पूरी शेखावाटी के साथ साथ खेतड़ी को भी यमुना के पानी में हिस्सा मिलेगा। ये आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग चुन के भेजते हो तो सिर्फ हमें वहाँ पर आराम से आराम करने के लिए या फिर वहाँ नींद लेने के लिए नहीं भेजते हो। और हमने जब से राजनीति में प्रवेश किया था, हमने सोचा कि जितना हमसे बन पड़ेगा, जितना जो बन पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा खेतड़ी के लिए करेंगे, और उसका उदाहरण आप लोगों ने बहुत जल्दी देखा है। इनके कैंटीन की, फौजियों के कैंटीन की व्यवस्था भी बहुत जल्दी करने वाले हैं, उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है। पानी की व्यवस्था भी आपकी बहुत जल्दी करने वाले हैं, और अगले महीने में शायद मार्च में मैं यहाँ पे वन एवं पर्यावरण मंत्री को लेके आ रहा हूँ, संजय जी शर्मा को, आपका जो बादशाह खेतड़ी जो प्रोजेक्ट है इसको रणथंभौर और सरिस्का की तरह सफारी चला के और युवाओं को रोजगार दिलाने का हम लोग काम करेंगे। आप लोगों ने चुन के भेजा तो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करेंगे। आज दो दो कार्यक्रम आप लोगों ने किए इतने जानदार और शानदार, एक तो हमारे देशभक्त की मूर्ति लगाई है और दूसरी शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की है, ये भी एक बहुत भाग्य की बात है। कोई परिवार अगर शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा करता है, मैं समझता हूँ वो बहुत पुण्य का भागी होता है, और ये पुण्य का कार्य भी आप लोगों ने किया है। और शंकर जी सबसे देव के देव महादेव क्यों कहलाए, ये मैं कोई पंडित नहीं हूँ, ना शास्त्री हूँ, ना विद्वान हूँ, मैं तो बहुत अज्ञानी सा व्यक्ति हूँ, लेकिन देव तो सब है, लेकिन देव के देव महादेव क्यों कहलाए,
जिसके बारे में यहाँ बहुत लोग ज्ञानी है मेरे से जानते होंगे, और ऐसे देवों के देव महादेव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके जो बस्ती में आप लोगों ने पुण्य का काम किया है। लोग कहते थे पुराने जमाने में कि जिस बस्ती में शंकर जी का मंदिर ना हो और जिस बस्ती में सांड ना हो वो बस्ती पवित्र मानी जाती है। पहले कहते थे सतयुग में शंकर जी का मंदिर ना हो सांड ना हो तो सांडू की तो भगवान ने मौज कर दी, ठीक है। अब शंकर जी की बात थी, वो शंकर जी का काम आपने पूरा कर ही दिया। मैं देवों के देव महादेव की आप लोगों को वजह बता रहा था, वरना देवता तो सब शक्तिशाली है, सब शक्तिशाली है। शक्ति चाहिए दुर्गा की पूजा करो, विद्या चाहिए सरस्वती की पूजा करो, धन चाहिए लक्ष्मी की पूजा करो, सब शक्तिशाली है। लेकिन इतिहास में एक कालखंड में ये उल्लेख है कि जब समुद्र मंथन की बात आई थी तो समुद्र मंथन में एक तरफ देवता थे, एक तरफ राक्षस थे, और समुद्र मंथन किया उसमें नौ रत्न निकले, जिसमें सफेद हाथी, ऐरावत हाथी, काम धेनु गाय, ऐसे नौ रत्न निकले थे। उसके साथ साथ विष और अमृत भी निकला था, एक विष का कलश निकला, एक अमृत का कलश निकला। उसमें विष और अमृत निकलने के बाद राक्षसों की सेना भारी थी, उसने देवताओं से वो अमृत का कलश छीन के और सोचा कि हम इस अमृत को पी लेंगे और हम अमर हो जाएंगे, और ये विष देवताओं को पिला देंगे, पूरी धरती को देवता के विहीन कर देंगे। तो उसमें जब राक्षस अमृत का कलश लेकर, विष का कलश लेकर देवताओं के पीछे भागे, तो देवता आगे आगे भगते गए, राक्षस पीछे पीछे भगते गए। लेकिन वो जब भाग भाग के थक गए तो देव के देव महादेव की शरण में जाके बोले, हे देव हमें बचाइए वरना ये पूरी सृष्टि देवताओं के भीन हो जाएगी, ये राक्षस ये विष पिला देंगे। जब शंकर जी ने उन राक्षसों से विष लेके, विष का कलश लेके और पूरा अपने कंठ में धारण कर लिया, पूरे देवताओं के हिस्से का विष अपने कंठ में धारण कर लिया और उस कंठ, उस विष को अपने कंठ में रोक लिया, और उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उस देवता का नाम, शंकर जी का नाम नीलकंठ पड़ा और देव का देव महादेव पड़ा, कि पूरे देव के हिस्से का विष खुद ने अकेले ने पी लिया। इसलिए देव के देव महादेव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में भी आप लोग यहाँ पर निश्चित रूप से पुण्य के भागी हैं, और मैं पुनः इस परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं तो पूछ रहा था बीरबल जी की जो धर्म पत्नी है वो अगर जीवित है तो मैं उनका मान और सम्मान करना चाहता हूँ मेरे हाथों से, क्योंकि असली सम्मान की हकदार, हाँ उनके बेटे को बुलाओ, असली सम्मान के अधिकारी वो हैं जिन्होंने देश की सेवा की है। हम तो इस कार्यक्रम में, मैं हमेशा कहता हूँ कार्यक्रम उल्टा चलता है, नेताओं का सम्मान करने लग जाता हूँ, इस परिवार का सम्मान होना चाहिए जिन्होंने ऐसा शानदार कार्यक्रम किया है, अपने उसकी मूर्ति लगाई है और शिव की प्राण प्रतिष्ठा की है। मैं सम्मान करूंगा तो मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझूंगा अगर उनके